अरे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अल्कोहल फिनॉल ईथर का इंट्रोडक्शन कर लिया था प्यार बेटा। अब अपन करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज का अपना टॉपिक रहेगा। तो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले है बेटा फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में भी दो रिएक्शंस पढ़ लेंगे। सबसे पहले हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन? एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 की एक ड्रॉप डालनी पड़ेगी जब हाइड्रेशन होगा। और बेटा इसकी मैकेनिज्म भी आपके कोर्स में है, तो विद मैकेनिज्म स्टडी करेंगे इसकी। तो यार बच्चों, एडिशन, एडिशन आपको सबको पता है एल्कीन्स का एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये तो आसान रिएक्शन है बेटा कि व्हेन इथीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वो एच प्लस लिख देते हैं बेटा। कभी वो H3O+ लिखते हैं। क्या मतलब है रे? ये की बात है, वाटर के अंदर एसिड की ड्रॉप डाल ली, ठीक है ना। और एडिशन यहाँ सिमेट्रिक है, तो कोई मार्गोनी, कोई एंटी मार्गोनी का कोई चक्कर भी नहीं है बच्चों। तो एच कहाँ जाएगा रे बेटा? आपकी मर्जी चल जाएगी। इच्छा हो एच यहाँ भेज देंगे और ओ एच को यहाँ, तो क्या बनेगा? एल्कोहल। एल्कोहल। लेकिन बेटा अच्छी तरह से आप जानते हो मार्कोनिकॉफ रूल की बात आ रही है बेटा, कि व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 लिखा हुआ आ जाए या एच प्लस लिखा हुआ आ जाए, समझ जाना एडिशन होगा। एडिशन कैसे होगा सबको नॉलेज है। मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा अपने आप, कोई कहने नहीं आएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, वो तो अपने आप ही लगाना है। मतलब ये चीजें तो अब दिमाग में ऐसी चढ़ जानी चाहिए। अच्छा यार एडिशन रिएक्शन है, ये लीजिए आंसर, ये लीजिए एच को जहां एच ज्यादा हो, नेगेटिव पार्ट कहा जाता है जहां एच कम हो। तो अपने आप ही इसका आपको आंसर, ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजें क्लियर हो चाहिए। ब्यूट प्रोपेन टू ऑल, क्या हो गया बेटा? प्रोपेन टू ऑल बनेगा बेटा। बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है कि पानी निकल गया, जो है पानी ऐड हो गया। अरे ऐड नहीं होता, इसके भी तीन स्टेप्स हैं। तो अपन देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हाइड्रेशन का मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एडिशन ऑफ, ठीक है ना। तो मेन कौन यू है जो एसिड डाला ना H2SO4, वो एसिड क्या करता है? प्रोटोन देता है बेटा, और प्रोटोन हमेशा प्रोटोनेशन में काम आता है। तो ये पानी के अंदर जो डालता है एच प्लस, वाटर के अंदर जाता है एच प्लस, तो बच्चों ये हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। ऐसा आयन जिसमें SU+, नॉन एस हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम ईएम कब लगता है केमिस्ट्री में? जब पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो मेन हीरो यही है, इसमें हाइड्रोजन एक्टिव है बेटा। तो ये क्या करता है कि आप फर्स्ट स्टेप पे प्रोटोनेशन करता है। किसका? एल्कीन पढ़ रहे हो आप, एल्कीन ले ली बेटा मैंने। सबसे पहला काम है कौन आता है पास में? हाइड्रोनियम आयन। बच्चों मुझे बताओ ओ पे प्लस साइन होता है क्या? नहीं होता है। तो ये एच प्लस किस पे अटैक करेगा? इस पर। और जब भी कोई एच प्लस पास आता है तो बेटा एरो लगाते हैं, इस पे एच प्लस का अटैक करवा दोगे तो क्या बना? वाटर तो आपके फ्री हो गया एक तरह से। आप वाटर एडिशन पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है वाटर जा रहा है, अरे जा रहा नहीं है। सेकेंड स्टेप में वाटर का अटैक होता है एज ए न्यूक्लियोफाइट। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे? बोलिए देखें, कार्बेटाइन बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर एच प्लस। क्यों आया? कार्बेटाइन कैसे बना? देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, तो ये भाई साहब इसका अटैक करेगा, ये कर दिया, ये कार्बेटाइन बना हो गया। तो आपसे पूछेंगे कि हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या बनता है इंटरमीडिएट? कार्बेटाइन। तो ये बच्चों फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मैंने क्या कहा? वाटर इज ए न्यूक्लियोफाइल। व्हाई? बिकॉज लॉन पेयर प्रेजेंट ऑन वाटर, वाटर रिच है ये, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर चमक रहे बेटा। तो ये अटैक करेगा पहले तो इथाइल कार्बेटाइन को यहां लाते हैं। देखो कोई मेरे हिसाब से प्लस आपकी तरफ इसलिए रखा है कि अटैक कराना आसान रहे, और ये वाटर जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा बच्चों? ये H, ये C, ये OH। बच्चों वाटर ओ पे प्लस कैसा आया? क्योंकि ये प्लस है ऑलरेडी, और वो बन गया ऑक्सोनियम आयन ओ पे प्लस। और ओ पे प्लस रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। पहलवान कभी लपड़ खाता है क्या? पहलवान पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव होगा ना, तो इसमें से डी प्रोटोनेशन हो जाएगा। फर्स्ट में एक्चुअली प्रोटोनेशन हुआ ये, और लास्ट में क्या होगा? डी प्रोटोनेशन। तो रिमूवल ऑफ एच प्लस। तो थर्ड स्टेप का नाम अपन लिख सकते हैं
थर्ड स्टेप को मैं यहां लिख देता हूं आपके। थर्ड स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, इसमें से प्रोटोन बाहर निकालेंगे अपन। यही चीज मैं यहां लेके आ रहा हूं, चेक करना ये O पे क्या चार्ज आया रे बच्चों, पॉजिटिव। इसमें से H प्लस रिमूव कर लोगे, H प्लस रिमूव करने पर आप देखिए एडिशन हो गया है, एक जगह H और एक जगह OH। तो बच्चों इस तरह से एडिशन ऑफ वाटर एक जगह चल रही है, ये थ्रू आपके क्या हुआ है कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के थ्रू। तो थ्री स्टेप मैकेनिज्म है, इतनी आसान भी नहीं है, और जब कोई मैकेनिज्म दे रखा होता है तो बेटा उसको स्टडी करना चाहिए। तो पहले स्टेप में उस H2SO4 की एक ड्रॉप डाली थी, कौन सा डाइल्यूट था, उसने हाइड्रोनियमाइन बनाया, हाइड्रोनियम के H+ ने अटैक किया, कार्बोकेटाइन बना, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर हुआ, वाटर का अटैक हुआ एज ए न्यूक्लियोफाइल, और थर्ड स्टेप में ये प्रोटोन यहां से बाहर निकाला है। थर्ड स्टेप में अपन ने ये प्रोटोन बाहर निकालना है H+ की फॉर्म में, तो यहां पर क्या था, एच था, और यहां पर एच था, और ये यहां से H निकल गया है, जब H प्लस तो H और OH जुड़ गया, वाटर ऐड हो गया। तो बच्चों ये बहुत सिंपल सा एक मैकेनिज्म था। तो फर्स्ट एल्कीन से हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, सेकेंड भी नेम रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बी, रिएक्शन बी देखिए, रिएक्शन बी नेम है बेटा हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों हाइड्रोबोरेशन क्या है, एडिशन ऑफ डाइबोरेन, एडिशन ऑफ डाइबोरेन B2S6 नॉन एज हाइड्रोबोरेशन, एडिशन ऑफ, उसमें ऑक्सीडेशन होगा, एडिशन ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला बहुत ही प्रसिद्ध है केमिस्ट्री में, डाइबोरेन को कहते हैं B2S6, और इसमें एक बहुत फेमस बॉन्ड है, याद होगा आपको बनाना बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड इसमें होता है फेमस, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ डाइबोरेन, ठीक है ना, एंड फर्दर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 एंड OH-, हाइड्रोजन परऑक्साइड गिव्स एल्कोहल, रिएक्शन नॉन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिएक्शन नॉन एज हाइड्रोबोरेशन। और बाद में क्या कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल आएगा, इंटरमीडिएट ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा। कैसे रिएक्शन होगी देखते हैं, आइए बच्चों। तो अनसिमेट्रिक लोग थ्रू इंटरमीडिएट बनती है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है फोर मेंबर, वो आपके कहीं दिखाई दे रही है, इसका मैकेनिज्म देखें तो आप हायर क्लासेस की जो बुक होती है कॉलेज वगैरह की, वहां से आप इनकी मैकेनिज्म देख सकते हैं। लेकिन अपने जो एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत ही आसान है कि तीन इसमें अब सिमेट्रिक डायसिमेट्रिक होती है तो कोई रूल लगते ही नहीं है, आराम से कहीं कराओ ना। और हाफ B2S6 से रिएक्शन करवानी है, हाफ B2S6 इसलिए ये बेटा इसका वन मोल, ये स्टेबल फॉर्म लेनी पड़ती है, लेकिन हाफ लेना इसका मतलब वो BH3 हो गया, और BH3 को भी देखो मैं तीन पार्ट कर रहा हूं, थ्री टाइम्स होगी H H H, और इस रिएक्शन में प्रोडक्ट जो फॉलो करता है, प्रोडक्ट जो बनता है लाइक एंटी मार्बन का, तो प्रोडक्ट फॉलो यहां लिख देता हूं, प्रोडक्ट फॉलो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी रूल। तो बच्चों एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को तरह से फॉलो करता है, क्या होता है एच, यहां कोई एंटी मार्क, तो यहां तो कुछ लगना नहीं, वैसे भी कहीं भी भेज दो आप एच, और यहां BH2 क्या बनेगा, CH3CH2 BH2 ये बनेगा, ये थ्री टाइम्स होगी रिएक्शन, थ्री टाइम्स होगी, तो क्या बनता है देखते हैं, थ्री टाइम्स होगी, थ्री मोल्स लेते हैं बेटा, ये यहां से जैसे एच हटा एक सेकेंड टाइम, यहां से एक एच रिमूव करेंगे, यहां अपन ले लेते इथीन, यहां से एक एच रिमूव करेंगे, एच को यहां भेज देंगे और बीएच को यहां, तो क्या बनेगा CH3CH
CH3 हो गया, CH, उसके बाद में BH, ये CH इसके पास गया, तो ये CH2 हो गया, फिर B, और ये हो गया बेटा CH2 और CH3। कौन सा वाला? ये थर्ड टाइम और होगी, तो इसको 3 टाइम्स करने से आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगा। उसको मैं अभी शॉर्ट करके उसको 1 टाइम में भी सिखा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। फिर ये एच जाएगा यहां, और ये यहां जाएगा कौन सा पार्ट? बी। ये बनेगा ट्राई इथाइल बोरेन। क्या बनेगा? 3 इथाइल लग जाएंगे, ट्राई इथाइल बोरेन 3 टाइप्स। तो इतना बड़ा करने की बजाय इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से भी आपको बताता हूं। ये भी आ रहे, यही लाएंगे, नाम लिख दीजिए आप, ट्राई इथाइल बोरेन। कितने टाइम्स होगी? 3 टाइम्स, 3 मोल्स, 1 मोल ये सेकेंड मोल और ये थर्ड मोल, 3 मोल लेने पड़ेंगे। तो 3 मोल 3 बार करानी पड़ेगी, कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो शॉर्ट में इसको कंफ्यूजन को रिमूव करते हैं। देखो बेटा, शॉर्ट में इसका कंफ्यूजन कैसे रिमूव कर सकते हैं? आई, तो हमेशा अपन लेंगे इथीन। इथीन की रिएक्शन किससे करानी है? डाइबोरेन। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है? हाफ बी टू एस सिक्स बी एस थ्री। अब एडिशन है, तो एक एच जाएगा यहां, ये बी एस टू यहां, फिर सेकेंड टाइम ये जाएगा, फिर थर्ड टाइम ये। तो 3 मोल्स ले होंगे। कितने मोल्स ले होंगे? 3 मोल्स, 3 बार होगी रिएक्शन। फर्स्ट टाइम ये जाएगा, सेकेंड क्या मैं भी जाऊंगा भी, तू गया तो, फिर थर्ड टाइम ये भी जाएगा। तो देखना क्या बनता है यहां, CH3, CH2, और 3 टाइम चला गया, तो बी अकेले रह जाएगा। ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, तो बी भाई साहब अकेले रह गए और होल थ्राइस हो गए। तो वास्तव में बोरॉन की वैलेंस 3 है बेटा। तो इसको खोल के लिखो तो क्या दिक्कत है? इथाइल, 3 इथाइल की टैल लगी हुई है, पहला हाइड्रोकार्बन ट्राई इथाइल बोरेन अभी बना था, तो उसको अपन ने 3 स्टेप में बनाया था, उल्टा कंफ्यूज हो रहे थे। शॉर्टकट में कंफ्यूजन ही नहीं है। 3 मोल्स है, एक बार ये जाएगा, एक बार ये जाएगा, एक बार ये, 3 मोल्स ले लिए, तो ये ट्राई इथाइल बोरेन बहुत आसान है। तो नाम अभी आया था ट्राई इथाइल बोरेन, ओके, कहा है ये 3 इथाइल। अब इसका क्या करवाना है? फर्दर रिएक्शन क्या है बच्चों? फर्दर ऑक्सीडेशन है। किसकी प्रेजेंस में? H2O2। H2O2 को खोल के लिखो तो क्या दिक्कत है ऐसे बेटा? HOOH, H2O2, 3 मोल लेने इसके भी, 3, क्योंकि 3 टाइम्स है, देखना। हाँ, HOOH, HOOH कहां से ब्रेक करना है? यहां से, फिर यहां से और यहां से, तो 3 मोल्स बनेंगे। देखो तो थोड़ा माइनर ध्यान रखना पड़ेगा, CH3 CH2 OH 1 मोल, CH3 CH2 OH 2 मोल, CH3 CH2 3 मोल्स। ओह भैया जी, 3 मोल्स ऑफ एल्कोहल मिलेंगे, ये देखिए 3 मोल्स। प्लस कचरे में क्या गया? बाय प्रोडक्ट, कचरा मतलब बाय प्रोडक्ट, OH OH और OH, बी के पास OH, तो बच्चों H3BO3 प्रोडक्ट बनेगा, और ये अल्कोहल बन गए, देखो 3 मोल्स। तो ये तो इसमें मार्कोनी एंटी मार्कोनी का चक्कर बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये सिमेट्रिक थी। लेकिन अनसिमेट्रिकल लोगे तो प्रोडक्ट मार्कोनी एंटी मार्कोनी को फॉलो करेगा। तो नॉट पॉइंट में ध्यान कर लेते हैं, नॉट पॉइंट लगा के लिख देते हैं, इन दिस रिएक्शन प्रोडक्ट फॉलो, ये बुक में लिखा है एनसीईआरटी में, प्रोडक्ट फॉलो या गिव्स, प्रोडक्ट गिव्स लिख दो, बोले आप गिव प्रोडक्ट लाइक लाइक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी रूल, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे। आइए बच्चों कहां लगाएंगे, एक एप्लीकेशन ले लेते हैं। तो बच्चों एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगाएंगे ना, तो किसमें लगाना? अनसिमेट्रिकल लेना है इसमें, और हाफ बी टू एस सिक्स। बोर्ड एग्जाम में कैसा आएगा वो भी बता देता हूं, वहां ये बोर्ड एग्जाम अलग लिख देंगे एक्स, और यहां लिख देंगे वाई, और यहां चमकता हुआ दिख जाएगा O2, H2O2, और ये मीडियम को दिखाता है, बेसिक मीडियम में OH माइनस। 3 मोल्स लिखते नहीं है, बाकी 3 मोल्स लेने पड़ते हैं, एक्स वाई बढ़ रहे हैं, तो कैसे भरेंगे? आइए, तो प्रोपीन ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको खोल के हाफ B2S6 को क्या कहते हैं? BH3, और BH3 को भी मैं खोलता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को समझ में आ रहा है। एच को कहां भेजना है? एडिशन है, एच को कहां भेजना है? एच कम हो, क्योंकि एंटी मार्कोनी मैंने बोला है 3 टाइम्स भेजेंगे,
वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम्स, तो थ्री मोल्स लेने पड़ेंगे। तो यहां से बोलिए फिर सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू बी, क्यों बेटा कि ये बी तो बचेगा, फिर ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, तो बी बचेगा, तो होल थ्राइस। क्या नाम लिखो इसका, तीन पूछ लगी हुई है, ये एक्स सही है आपके एक्स प्रोडक्ट, इसका नाम है ट्राई, कहा है ट्राई, थियरी ट्राई प्रोपाइल बोरेन, बोरोन के कंपाउंड को बोरेन कहते हैं। और अब आपके क्या करना है, फर्दर ऑक्सीडेशन, किसकी प्रेजेंस में, एच टू ओ टू, तीन मोल लेने हैं, कैसे लेते हैं, इनको तीनों को खोलेंगे तो पता चल जाएगा आपके ओ एच ओ एच थ्री टाइम्स ओ एच ओ एच ओ एच और ओ एच, तो थ्री टाइम्स खोलेंगे और बेस की प्रेजेंस में तो क्या बना, चेक कर लो सेज थ्री सेज टू सेज टू ओ एच सेज थ्री सेज टू ओ एच, तो थ्री मोल्स, थ्री मोल्स रहेंगे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच प्लस बी ओ एच ओ एच ओ एच, इसी को कहता है बच्चों एस थ्री बी ओ थ्री। तो प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल बनेगा, क्या हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेन टू वन प्रोपेनॉल, तो कन्वर्जन में भी आपके काम आ जाएगा, यदि वन प्रोपेनॉल बनाना है तो इस पे एंटी मॉलिक्यूल ऑफ लाइक प्रोडक्ट आता है। वन प्रोपेनॉल कहां से आया, ये पूछ यहां से निकालना सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, कितने थ्री, ये थ्री है ये दोनों, और बोरिक एसिड जिसमें बाई प्रोडक्ट होता है। तो बच्चों ये है कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। प्यारे बच्चों ये थे फ्रॉम एल्कीन्स, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्कोहल था, ओनली थ्री मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड अपन लाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार मेथड है बेटा, और वो है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनिक का हीरो। मैंने कहा था दो ही हीरो हैं ऑर्गेनिक में, और आपको भी हीरो बना देंगे यदि आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ध्यान दीजिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकेंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मेथड ऑफ सेकंड लिखेंगे अपन फ्रॉम ग्रिग, जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है बच्चों, तो आप नॉलेज बता दिया था, फर्स्ट चैप्टर में आया था अपने हेलो एल्केन में, आरएमजीएक्स एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, क्योंकि इसको ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था लैब में, कोई बड़ी बात नहीं। पर यार ऐसा क्या जादू है, वो सोचे इसमें ऐसा जादू बताता हूं आपको जोरदार। देखो नॉर्मली आर पे क्या चार्ज होता है, इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, एक्स नेगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन देखना रे पप्पू आर एम जी एक्स में देखना, ये मेटल बीच में आ गया तो आर मेटल पे प्लस आ गया, आर में नेगेटिव आ गया, अरे यार गजब बात है, जो नॉर्मली प्लस होता है वो इसमें क्या हो गया माइनस। जो सीधा साधा बच्चा है और अचानक गली पे पत्थर फेंकने लग जाए तो क्या होगा, बस यही हुआ है, लोग देखेंगे अरे क्या हो गया इसके। यहां केमिस्ट्री में भी यही हुआ है कि ये कार कैटायन की जगह कार्ब एनायन बन गया, कार्बन नेगेटिव, और लोग फिर मजे लेते हैं जब कोई गली में से कोई ऐसा निकलता है कम बुद्धि वाला बच्चा, तो सब लोग मजे लेते हैं उसके पीछे हंसते हैं, वो वाली बात है लोग। तो ऑर्गेनिक में भी अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नेगेटिव चार्ज को बहुत एप्लीकेशन में, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा। एक तो ये बात थी कि आर नेगेटिव होगा बेटा मेटल पॉजिटिव होता है, दूसरा है एक इंपॉर्टेंट टेबल जिस टावर को याद है, जिस बच्चे को इंपॉर्टेंट टेबल याद है वो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, इससे केमिस्ट्री के सारे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन से, कि वन डिग्री अल्कोहल बनाना हो तो क्या लेना है, टू डिग्री अल्कोहल और थ्री डिग्री अल्कोहल के लिए इंपॉर्टेंट टेबल है। यदि आपको वन डिग्री अल्कोहल बनाना है तो हीरो कौन है, मिथेनॉल लेना है बेटा, एच सी एच ओ फॉर्मेलडिहाइड बोलते हैं इसको बोलते हैं मिथेनल। और राजस्थान बोर्ड में यदि बच्चा है वो, तो वो बच्चा उसमें उसके और भी दे रहा है इथिलीन ऑक्साइड भी दे रखा है, वो हाफ ऑक्सीजन से भी बना सकता है, वन डिग्री बनाने के मसाला है, टू डिग्री बनाने का मसाला है इथेनल, इथेनल इनके कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, और थ्री डिग्री बनाने का मसाला है कीटो, क्या है रे बच्चों, एसीटोन के नाम से प्रसिद्ध कीटोन है, एसीटोन से आप प्रिपेयर करेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी हो तो ये टेबल याद रखना। इसके अलावा आरबीएस भी थोड़ा और एक्स्ट्रा है तो वो कॉलेज लेवल का, तो वो भी बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान है। पर ये छोटी सी टेबल क्या है, क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो तो ये मसाला लेना है, सेकेंडरी अल्कोहल का ये लेना है, टर्शियरी का ये लेना है। अब बहुत ही आसान एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं बेटा,
और वो क्वेश्चन लिखिए आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे, और वो ये है क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, घुमा के उल्टा करा रहा हूं मैं, जिससे आप कैसा भी क्वेश्चन टफ आएगा तो आप खुद करोगे। आपको क्या करना है, किंग मेकर बनना है, किंग विंग नहीं बनना आपने, आपको खुद को करने आ जानी चाहिए, इसके भी नई चीज भी कर सकते हैं। तो प्रिपेयर प्रिपेयर फॉलोइंग एल्कोहल एल्कोहल फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजन, ग्रिगनार्ड रिएजन का यूज करते हुए आपको एल्कोहल बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं। कौन से बनाने हैं वो मैं आपको देता हूं, फिर क्या स्टाइल लगेगी वो भी देखना, ध्यान देने योग्य बातें चल रही है। तो फर्स्ट है बेटा टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ये बनाएंगे। सेकेंड बनाएंगे अपन टू ब्यूटे नॉल, इसमें से मैं दो ही बनाऊंगा और दो आपका होमवर्क होगा, ये बात है, दो या तीन बनाऊंगा, बाकी आप खुद कर सकते हैं। फिर है इथाइल एल्कोहल या फिर इसको कहते हैं इथेनॉल, एक ही बात है। और डी आपको बनाना है बच्चों टू इथाइल एल्कोहल, इसमें आ गया टू प्रोपेनॉल। तो चार मैंने दिए हैं, चार में से दो मैं बनाऊंगा और फिर दो आपको घर पे ट्राई करनी है और आप बना लोगे आराम से। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि उसने तो कह दिया कि एक अल्कोहल बनाना है, हेल्प किसके लिए नहीं है, ग्रिगनार्ड की। तो सबसे पहला काम है बच्चे को उसको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो पहला कौन सा बनाऊ मैं, फर्स्ट सेकेंड दोनों बना देता हूं और बाकी थर्ड फोर्थ आप घर पे बना लेंगे। तो फर्स्ट मैं बनाना जा रहा हूं टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, आप पैटर्न देख लीजिए, यही पैटर्न आप लगाओगे तो आराम से उस रास्ते, क्योंकि टीचर का तो काम ही बेटा हम तो एक गाइड करते हैं, मेहनत तो बच्चा करता है, टीचर कुछ नहीं करता है, टीचर उसको एक जोश दिलाता है और उसको रास्ता बताता है, तो हम ये रास्ता बताने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देखिए। और फर्स्ट कौन सा बना रहे हैं, टू मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, ओके बच्चों। पहला काम है फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला आपको खुद को बनाना है, बोलिए कैसे बनाएंगे। प्रॉप प्रॉप कहते हैं, बच्चा क्या करेगा, तीन कार्बन लगाए, टू पर क्या लगाना है, मिथाइल, और टू पर ही क्या है ऑल। तो फर्स्ट चीज भी आप पे डालिए कि वो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको छोटे मोटे फॉर्मूले बनाने तो आते ही, फर्स्ट बात। सेकेंड बात है डिग्री देखना, इसकी डिग्री क्या है, डिग्री देखना बार बार है ये प्राइमरी सेकेंडरी, अरे भाई अल्कोहल इस 3 डिग्री से तो ये टर्शियरी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। और अभी अभी टेबल बनवाई थी 3 डिग्री का, टेबल से मसाला क्या है देखिए, तो 3 डिग्री का मसाला क्या था, टेबल्स को याद करके आप पीछे देख सकते हैं अपनी नोटबुक में, जब नोट करोगे तो ये 3 डिग्री का मसाला, हाँ पढ़ क्या रहे यार, मैं थोड़ा प्रिपरेशन ग्रिगनार्ड रिएजन से, ग्रिगनार्ड रिएजन का फॉर्मूला बोलूं RMX। यारे बच्चों ये तो है आंसर, ये आंसर लाना है हेल्प के लिए, तो आपको आंसर तो दिया हुआ है और क्वेश्चन ही आपके पास नहीं है, तो क्वेश्चन सेटअप करने की स्टाइल सीख रहे हैं कि ये लेंगे अपन, ठीक है ना। अब अपने जो आंसर है उस पर कार्बन काउंट करते हैं, कितने देखा, गिनो 1 2 3 4, अपने इस हीरो में तो तीन ही, तो एक कहां से लाओगे, इस आर से लेके आएंगे, आर पे आप जो चाहो वो लेओगे, मिथाइल फिनाइल जो भी, तो एल्काइल मैग्नीशियम आप जैसा आर जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आर अपन को एक कार्बन की रिक्वायरमेंट है तो अपन मिथाइल लगा लेते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम एक्स की जगह आप फ्री हो, वो कह देगा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले, तो उसे ये ले लेना यार, तो कचरे में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस बच्चों अपना काम सेटअप हो गया है, अब रिएक्शन आपको करानी है। देखिए इधर इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें पॉजिटिव, और अपने मेटल क्या है प्लस, आर भाई साहब क्या हो गए नेगेटिव, मेटल ऑलवेज प्लस होता बेटा, तो ये कहां जाएगा ओ के पास, और ये कहां जाएगा इसके पास। अब जो बच्चा इसको देखेगा वो तो मरेगा, जो इस पर नजर, क्योंकि इसका एडिशन इस पे हो रहा है, ये टूट के इस पे आ रहा है, आप इसको देखो ना, इसको देखोगे तो हाँ, तो ये लिखना चाह मेरी अंगुली रखी वहीं से आप नजर रखें तो बैठेगा मामला, यहां से बोलना शुरू कीजिए आप मेरे साथ साथ, सी एस थ्री सी ओ पे कौन गया, यहां से देखो एम जी सी एल, और ये मिथाइल कहां गया है, यहां ऊपर, यहां मिथाइल यहां गया,
कार्बन की वैलेंसी चेक कर लेना। तो ये बेटा इनका एडिशन रिएक्शन हुआ है, और एडिशन से जो बनता है केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा, एडक्ट। ज्यादा माता बच्चे का दिमाग ही नहीं है, एडिशन से एडक्ट। और अब इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस, H2 ऐड करना है, H और OH ऐड कर दीजिए, कुछ भी नहीं है बच्चों, और ये कचरे में चला जाएगा। ये रहा आंसर, बोलिए यहां से CH3 और कचरे में क्या गया, MgCl और OH, कहा है Cl और OH, ये रहा यहां से, यहां से ब्रेक करना है। तो बच्चों ये रहा आंसर, मिला कर लीजिए, चेक आया 2-methyl propane 2। तो बहुत सिंपल सा ये मेथड है, एडिशन रिएक्शन है। सिंपल कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एडिशन भी कौन सा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एक और बनाता हूं प्यारे बच्चों, 2-butanol बनाता हूं, कौन बनाता है तो मेरे साथ साथ आप बनाओ तो मजा आएगा। दूसरी ये नोट भी करते रहे और दूसरा मैं अपन ऊपर लिखते हैं जब तक, 2-butanol। सबसे पहला काम क्या है, फॉर्मूला मेकिंग, कौन बना रहा है फॉर्मूला, ब्यूट का मतलब 4 carbon 2 per all, गुड। तो पहला काम आपने कर लिया है फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग हो गया। उसके बाद डिग्री देखना, कौन सी डिग्री है इसकी, इसकी है डिग्री 2 degree, कौन सी डिग्री है 2 degree सेकेंड, ओके 2 degree है। 2 degree का मसाला टेबल से CH3CHO क्या है, CH3CHO नॉट, और किससे बनाना है, RMGX से, RMGX। तो सबसे पहला CH3C डबल बॉन्ड OH, ये अपने 2 degree का मसाला, इसको खोल के लिखना आ गया आपको, ये एच बोले कहा लिख पता खोल के आपको दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ भैया जी, एक बार काउंटिंग करो, अपने आंसर में 4 carbon है, इसमें तो अपने 2 ही है, तो 2 कहां से लाओगे, 2 आपके लिए आ तैयार बेटा, मिथाइल की जब की बारी, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेना पड़ेगा। कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे कौन गया रे बेटा, MgCl भाई साहब, और इथाइल का अटैक यहां पर, बस नजर नहीं हटनी चाहिए, नजर इधर चाहिए, ये कहां जा रहा है, इस पर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, बोलिए बोलिए यहां से, CH3CO के पास कौन जा रहा है भाई, Mg और Cl, और यहां पर किसका अटैक हो रहा है, यहां से ब्रेक हो रहा है CH2CH3। तो ये पूछ का पता मुझे कि कहां से जोड़ना है, और CH3 और ये हो गया बेटा, बच्चे को हेड टैग तो मालूम हो चुके, हेड कौन सा, टैल कौन सा, ये इसकी टैल है, ये हेड हो गया, तो बस यहीं से जुड़ेगा। और ये क्या है, एडिशन से जो बनता है उसको क्या लिखना, एडक्ट। और फाइनल आंसर आ गया बच्चों, हाइड्रोलिसिस, वाटर ऐड करना है, वाटर में एच इसके पास जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके पास प्लस भेजना है और यहां माइनस भेजना है, बोल दीजिए आंसर, कहीं से एक जगह पूछ पकड़नी, यहां पकड़ो चाहे वहां से पकड़ो, यहां से पकड़ लेते, बोलो CH3, बोलो मेरे साथ CH OH, आपको बोलते बोलते यूं करना है, ये आंसर चेक कर लीजिए, ब्यूटेन टू ऑल इज द आंसर। तो आया कि नहीं आया, तो बच्चों 2 मैंने प्रिपेयर किए हैं, 2 आपके ऊपर है, और जो बच्चा कहना मानेगा, प्रैक्टिस करेगा, वो आगे जाएगा। तो ये है बच्चों को नॉट से प्रिपरेशन, एक सीधी प्रिपरेशन दे देते हैं, ये तो उल्टा है मामला, भाई क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, और सीधा तो सीधा ही है, बिल्कुल ही सीधा, देखिए क्या सीधा था, एग्जाम में आएगा तो आप पेन चलेगा, बिल्कुल दिमाग चलेगा भागता हुआ, एक सीधा कर लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ऐसे आता है क्वेश्चन, कंप्लीट रिएक्शन, तो ऐसा तो कोई भी कर लेता है, जैसे ये है CH3CH2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्टिव, क्वेश्चन ऐसा आता है, व्हाट हैपेंस व्हेन, बच्चा डर जाता है कि इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद इथेनल, अरे यार क्या डरना यार, इथेनल से तो एक्स और वाई, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्वेश्चन बनाया मैंने, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट इथेनल, अरे तो भैया कितना आसान है, इसको खोल के लिखना आता है तो बहुत ही, एडिशन रिएक्शन है सिंपल सी। और यहां से देखना, ग्रिग्नार्ड पे मैंने आपको बता दिया है बेटा, ग्रिग्नार्ड पे इन दोनों से इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये रहा, एमजी पे क्या चार्ज, प्लस, ये भाई साहब इधर जाएंगे, ये इधर,
बोलो क्या बनेगा रे बेटा, यहां से बोलो, ये तो इस पे जा रहा था, यहां से बोलो, सही बात है, बोलिए। सी एस थ्री सी ओ पे कौन गया, एम जी बी आर, ये रहा, और इथाइल वैसा कहां जाएंगे, यहां। अब लड़की क्या गलती करते बताओ, सी एस थ्री सी एस टू बताओ, हो सकता है कहीं वैलेंसी पांच हो जाएगी ना बेटा, ये टू आएगा ये थ्री आएगा ना, यहाँ सी एस टू सी एस थ्री, जहां से टूटा है यहां से थोड़ी जुड़ेगा, यहां से जुड़ेगा, ठीक है ना। तो बस ओके, और इसका वाटर ऐड करके ब्रेक कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बोलिए। तो बच्चों सी एस थ्री सी एच ओ एच सी एच टू सी एस थ्री, तो इसका आंसर क्या आया देख लेते हैं, सी एस थ्री ओ एच सी एच ओ एच सी एच सी एस टू सी एस थ्री टू ब्यूटेनॉल आंसर आया है, जो अभी अभी किया था अपन ने, अभी किया था इससे पहले ऊपर टू ब्यूटेनॉल बनाने के लिए, तो वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो टू ब्यूटेनॉल बनेगा। तो x क्या आएगा, ये रहा x, y बताओ, ये रहा y, x और y आप आराम से फिल कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान बेचने सीधी सीधी विचार। तो ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम ट्रिग्नोट्रिगोनोमेट्री।